गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड सीयूबी कॉमनर्स 2015 में जो क्वेश्चन आया है उसको सोल्व करके सिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए क्वेश्चन का शुरुआत है, मेसर्स ईस्टर्न कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, 1 अप्रैल का डेट दिया हुआ है, सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है अप टू 31 मार्च, दैट इज 1 ईयर का क्वेश्चन है, यहां कोई समस्या नहीं है डेट को लेके। एक्सपेंस के रूप में यहां से देखिए मटेरियल स्टोर वेजेज, प्लांट का बाद में डेप्रिसिएशन ले लेंगे, सुपरविजन एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यहां अदर इन्फॉर्मेशन 7-8 दिया, इसको ध्यान से देखना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख था, डेप्रिसिएशन हमको 20% कैलकुलेट करना है, 25% का प्लांट 30/6 को डैमेज हो गया, इसका मतलब 40,000 के प्लांट में 25%, 10,000 के प्लांट के ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा और 30,000 पे साल भर का, वो प्लांट जो डैमेज हो गया उसका कंपेंसेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है। ये मटेरियल ट्रांसफर है, मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेजे हैं, यहां पे मटेरियल रिटर्न है, रिटर्न टू स्टोर्स, थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा स्टोर बच गया वो बाइप में जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड 10,000, इसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ये कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट कंप्लीटेड नॉट सर्टिफाइड, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वर्क अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, सर्टिफाइड भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई इसका यूज नहीं है। इसके बाद यहां पे है सर्वेयर फी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, 2 में आएगा। आर्किटेक्ट 4/5 काम कर दिया है, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिला है 4/5, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख का 4/5 निकालेंगे, 80,000 वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा लगता है। कैश वाज रिसीव 90%, जो भी वर्क सर्टिफाइड आएगा उसका 90% कैश रिसीव्ड होगा। यहां इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बोला है 20% ऑफ वेजेज होगा, ऊपर वेजेज देखेंगे, वेजेज का 20% निकाल देंगे, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है, तो इसका मतलब हम लोग को इस सवाल में वर्क कॉस्ट निकालना होगा, तब जाके 10% आ पाएगा। यहां बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। चलिए देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ईस्टर्न कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। अब यहां से सवाल बनाना है, कोई भी एक्सपेंस होगा 2 में लेंगे, 2 मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड का 30,000 है, 2 स्टोर परचेज, 2 स्टोर परचेज, स्टोर परचेज का 8,000 है, 2 डायरेक्ट वेजेज, 2 डायरेक्ट वेजेज का 25,000 है, प्लांट नहीं लेंगे, 2 सुपरविजन, 2 सुपरविजन एक्सपेंस, सुपरविजन एक्सपेंस का 10,000, 2 सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, 2 सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का 20,000, इसके अलावा 25% का प्लांट के ऊपर 6 मंथ का और रिमेनिंग का साल भर का। यहां वर्किंग नंबर 1 दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऑन 10,000, 10,000 के प्लांट के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन, अब वो 6 मंथ का होगा, दैट इज 1,000 रूपया। और जो 30,000 का प्लांट बच गया उसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन फुल ईयर का होगा, दैट इज 6,000, द डेप्रिसिएशन विल बी 7,000, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7,000, जो प्लांट डैमेज हुआ उसका कंपेंसेशन से मतलब नहीं है, बाई मटेरियल ट्रांसफर, हम लोग किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में
8000 का मटेरियल ट्रांसफर किए हैं, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, थोड़ा सा 2000 का मटेरियल स्टोर को वापस किया गया है। अच्छा, मटेरियल और स्टोर बच गया, बाई मटेरियल एट साइट सीडी, बाई स्टोर एट साइट सीडी, मटेरियल बचा था 7000 का, आई स्टोर बचा था 3000 का। इसके अलावा बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी वर्क सर्टिफाइड चाहिए, वर्क अनसर्टिफाइड चाहिए। अनसर्टिफाइड तो 10000 पता है, वर्क सर्टिफाइड का कैलकुलेशन करेंगे। यहां वर्किंग नंबर 2 देते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इंजीनियर बोला है 4x5 का काम हो गया, 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 4x5 दैट इज 80000 का काम हो गया, तो वर्क सर्टिफाइड 80000 ले लिया। सीरियल नंबर ए बी सी डी ई एफ यूज हो गया, एफ में और एक है, आउटस्टैंडिंग सर्वेयर फी टू सर्वेयर्स फी आउटस्टैंडिंग सीडी, वो अमाउंट है 4000। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड हो गया, कैश रिसीव्ड कर देते हैं, यहीं पर वर्किंग नंबर 3 कर देते हैं, कैश रिसीव्ड 80000 का 90% कैश रिसीव्ड बोला है, दैट इज 72000। इसके अलावा इस्टैब्लिशमेंट है 20% टू इस्टैब्लिशमेंट चार्ज, वेजेज का 20%, वेजेज इज 25000, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे 5000। अच्छा, टू ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 10% बोला है, हमको वर्क कॉस्ट निकालना होगा। नंबर 4, वर्क कॉस्ट निकालना होगा, और वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये सारा प्लस करेंगे, डेबिट वाला प्लस करने से रिजल्ट हुआ 1,09,000, और क्रेडिट में से इसको छोड़ के ये माइनस कर देंगे, 10,10,20,000, वर्क कॉस्ट विल बी 89,000। वर्क कॉस्ट 89 डायरेक्ट लिख देते हैं, कैसे आया फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल एक्सपेंसेस ये प्लस कर दिए, और ये दोनों 2 और 2, 4 माइनस कर दिए 20,000, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये सारा प्लस करके इधर वाला माइनस कर दिए, वर्क कॉस्ट 89,000, तो ऑफिस ओवरहेड 89,000 का 10%, 89,000 का 10% 8,900, ऑफिस ओवरहेड 8, तो ऑफिस ओवरहेड आया 8,900, वर्क कॉस्ट आया था 89,000, 89,000 का 10% निकाले, 8,900 वर्क कॉस्ट ले लिए। अब यहां ले लिए टू ऑफिस ओवर 8,900, इसके बाद हम लोग ये प्लस करके इधर से आंसर निकालेंगे, आंसर विल बी नोशनल प्रॉफिट आएगा, देखते हैं कितना आया, इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस करने से निगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब लॉस आ गया, लॉस होने से डायरेक्ट बाई प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट लिखते हैं, अ लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 7900 आया, टोटल होगा इसका, टोटल होगा 117900, 117900। प्रॉफिट आता तो एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला के लिए सोचते, यहां डायरेक्टली लॉस आ गया तो कोई फॉर्मूला नहीं सोचना है, लॉस डायरेक्टली पीएल अकाउंट में चला जाता है। अब हम लोग जो सीडी है उसको बीडी कर देंगे, सीडी को बीडी करेंगे, इस साइड में हमारा कोई सीडी दिख नहीं रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग ही सीडी होता है। यस एक है, बाई सर्वेयर्स फी आउटस्टैंडिंग बीडी अमाउंट है 4000। इस साइड में मटेरियल एट साइट, स्टोर एट साइट दो है, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट बीडी 7000, स्टोर एट साइट बीडी, स्टोर एट साइट बीडी 3000, टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 80000 था, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड 10000 था। सीडी से जो बीडी होता है वो वर्क तो हो गया किंतु नोशनल प्रॉफिट नहीं आया था, लॉस आया था, लॉस डायरेक्टली पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, बट सीडी को बीडी करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने को बोला था, ये आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना हुआ रखे हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्टी वो व्यक्ति है जिससे हम लोग को मनी एडवांस मिलता है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टी से अपना और कोई काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टी से जो अपने को 72000 मिला था वो 72000 का है, यहां वर्किंग करके रखे थे, 80000 वर्क सर्टिफाइड था, 80000 का 90% वो पैसा दिया था, दैट इज 72000। तो यहां लिखे थे बाई बैंक अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिसीप्ट 72, और इसमें कोई एंट्री नहीं आएगा, टू बैलेंस सीडी एंड देन बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इसके पहले बना दिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।